को लेकर यह कार्रवाई हुई है। माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र यादव जी द्वारा खाद वितरण के संबंध में एक मीटिंग हुई है, जिसमें माननीय मंत्री महोदय विधायक महोदय आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो जिले में खाद वितरण सुचारू रूप से हो सके उसके लिए यह आवश्यक है कि खाद वितरण के संबंध में दुकान में उनको निरंतर चेक किया जाए। यदि नकली खाद उपलब्ध है दूसरे लिए तो उसको जब्त करके उस पर कम्युनिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सुचारू रूप से खाद वितरण संभव बनाने के लिए जरूरी है कि सभी प्राइवेट दुकानें शासकीय गोदामों को निरंतर चेक करें। उसी के क्रम में आज अभी शाम को कुछ देर पहले HDO एग्रीकल्चर जो मेरे साथ खड़े हैं उनके द्वारा एक सूचना दी गई कि HDFC चौराहे के पास दुकान पर एक ट्रक खड़ा है जिसमें नकली खाद होने की संभावना, जिसमें NPK मिक्सचर जो रखा हुआ है जिसकी कोई वो नहीं परमिशन नहीं रहती, उपयोग करने की परमिशन नहीं रहती, इसकी नकली होने की संभावना है। दुकानदार के द्वारा बोला गया कि जो ऑर्गेनिक खाद है तो उसके आधार पर उसके सैंपल लिए गए, 474 बोरी जो ट्रक में रखी थी उस ट्रक को ऐसा का वैसा जब्त किया जाकर थाने में रखा गया। सर किस कंपनी की खाद बताई जा रही है? HDO का बताइए, उन्होंने सैंपल दिया है। सरकारी गोदाम जो वहाँ से खाद वितरण बंद हो जाता है, ऐसे में किसानों को मजबूरी बस 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये ज़्यादा में खाद लेना पड़ता है, तो इसको लेके अगर कोई नियम भी बनाए जाएंगे किसानों को खाद में उपलब्ध। आपने जो बात बताई है उसको मैं माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष में रखूँगा और किसानों को इसमें निर्णय दिए। तो वर्तमान में जो कार्रवाई हुई इसको लेके क्या कुछ दंड या फिर कुछ नहीं? मैं जो कार्रवाई हुई है जो गलती करी है इसकी मैं कलेक्टर महोदय को को लेकर यह कार्रवाई हुई है।